हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं ये बिगनर्स मेकअप लुक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपना फेस ऑलरेडी वॉश कर लिया है बायोटिक के फेस वॉश से, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक आइस क्यूब और इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, सो दैट इसके बाद मेरी जो स्किन है वो टाइट हो जाए। और अब मैंने अपना फेस है वो थोड़ा जो वेट हो गया था उसको मैंने क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी फाउंडेशन और इसको अप्लाई करूँगी अपने आईलिड एरिया पे, और डैप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो आफ्टर ब्लेंडिंग व्हाट आई डू, आई टेक आई शेडो पैलेट, और इसमें जो मेरा कोई भी जो स्किन से मैच करता है एक जो सबसे लाइट कलर होगा उसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड्स पे एज आई शेडो, और मैं जस्ट एक बेस बना रही हूँ। और इसको आप अपनी फिंगर से या फिर किसी भी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो कलर है इसका शेड वो आ गया है, पीची शेड आ गया है। और अब इसके साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर लिया है ब्राउन शेड, और इसके साथ में जो आउटर कॉर्नर है अपनी आई का उसको थोड़ा कवर कर लिया। और यहाँ पर मैं बिल्कुल लाइट पीची शेड ले रही हूँ, और इसके साथ में जो इनर कॉर्नर है अपनी आई का उसको कवर करूँगी। आप चाहे मेरी तरह फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी सिंपल मेकअप ब्रश लेके अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर और ऐड करके आउटर एरिया जो है आई का वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और थोड़ा सा ब्लेंड करना चाहिए। सो हेयर इट गोज़, और मैं सेम जो प्रोसीजर है वो अपनी दोनों आईज़ पर कर लिया है। तो गाइस, यहाँ पर मैं सेम आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और इसमें से मैं जो ये सिल्वर हाइलाइटर है इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी ब्रा बोन एरिया पे। दोनों तरफ अप्लाई करूँगी वेरी नाइसली एंड जस्ट ब्लेंडेड विद माय फिंगर, बिकॉज आप अपनी फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए। सो हियर वी गो। इसके बाद मैं ले रही हूँ शुगर का काजल, इसके बाद लूँगी मैं शुगर का काजल और जो अपनी आईज़ की जो अपर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, आपकी आईज़ जो मोर डार्कर और हैवियर लुक लगती हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये आईब्रो पेंसिल, इसको आपको इस तरीके से लगाना है, आपको ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लगाना है। और फर्स्ट आप अपनी आँख बना सकते हैं, और उसके बाद आप अपने हेयर को ब्रश कर सकते हैं। आईब्रो को ब्रश करने के बाद आपको जो लोअर लाइन है तब आपको स्टार्ट करनी है, एंड आप इस तरीके से बिल्कुल ही धीरे धीरे स्ट्रोक्स में आप अपनी जो आईब्रो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक डिफरेंट लुक आ रहा है, और स्पूली की हेल्प से या किसी भी आईब्रो ब्रश की हेल्प से आप इसको कॉम करके एक नेचुरल लुक दे सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डू ऑन द सेम ऑन बोथ, एंड हियर वी गो, इट्स डन। एंड नाउ आई एम टेकिंग आई लैश कर्लर टू कर्ल माई आई लैशेज, एंड हेयर वी गो विद दिस। और नाउ आई एम टेकिंग हाइपर कर्ल मस्कारा फ्रॉम मेबलिन एंड अप्लाइंग इट नाइसली विद द हैवी कोट्स ऑन माई आईज। So you can see it's looking very nice, very good. And now I'm taking again the same brown shade. So I have applied on upper lid, and now I'm applying it at the lower lid, below the waterline, just to give it a nice look. So now I'm just dusting off any fallover on my face of eyeshadow, kajal or any tint of mascara. So I'm just clearing my face, and here it is done. Now I'll take Fit Me foundation and apply on my face in a dotted form. So I'm applying a very small amount of it on my face just to cover acne marks on my face, and also applying little bit of product on my neck as well. So taking the Damn Beauty blender, I'm just blending the product nicely on my face in dab 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 motion. You need not to drag the product, but just dab 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 it. Now taking the compact, it's a Lakme compact, and applying it on all over my face wherever I have applied the product. Now I'm taking the brush and removing or dusting off all the extra compact or extra product that is on my face.
So now I'm taking bronzer and applying it on my cheekbone area. तो आपको यहाँ पे cheekbone area पे बिल्कुल light हाथ से और बिल्कुल अच्छे से blend करके आपको apply करना है और जो आपके face के बाल हैं वहाँ तक आपको पहुँचाना है. ये बिल्कुल उसमें एक तरह से मर्ज करना है सो दैट ये अलग से बिल्कुल ही ना लगे. सो हियर वी गो. और इसको अच्छे से ब्लेंड करें अपने फेस पे. और आप इसके लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने फिंगर्स पे लिया है और ऐसे मैं इसको अपने नोज़ पे अप्लाई करती हूँ. और नाउ ब्लेंड इट अगेन वेरी नाइसली वेरी परफेक्टली ताकि आपके जो नोज़ की शेप है वो प्रॉपर आए. तो इसको करने के बाद अब हम लेंगे अपने नोज़ के बिल्कुल नीचे टिप पे मैंने अप्लाई कर दिया. उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड हियर वी गो. सो इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना फोरहेड पे भी अप्लाई कर देंगे और थोड़ा सा अप्लाई इस पे भी और थोड़ा चीक बोन एरिया पे भी. अगर आपकी भी डबल चिन है मेरी तरह तो आप थोड़े से अपने डबल चिन पे हल्का सा जो प्रोडक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं. इट जस्ट गिव्स अ शेडो सो दैट आपका जो फेस है वो ज़्यादा बड़ा ना लगे. इसके बाद मैं ले रही हूँ ये बहुत ही क्यूट सा ब्लशर और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे. सो आप डिफरेंस देख सकते हैं और बिल्कुल लाइट सा हम अप्लाई करेंगे अपने चीक बोन एरिया पे. और हियर वी गो. सो इसके बाद जो मैं इसका थोड़ा सा प्रोडक्ट है वो मैं अपने नोज़ पे और अपने पूरे चीक्स पे अप्लाई भी करूँगी हल्का सा. बट जो ज़्यादा डार्कर होगा वो हमारे चीक बोन्स पे ही रहेगा. इसके बाद मैंने यहाँ से हाइलाइटर लिया. मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई करूँ बिकॉज आई लाइक इन दिस वे. अगर आप ब्रश से करना चाहें तो ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं. आप अपने नोज़ टिप पे चीक बोन एरिया पे अपने लिप्स के नीचे लिप्स पे और अपने फोरहेड पे आपको इसको हल्का हल्का अप्लाई करना है. इसके बाद आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं. आपके चिन टिप पे भी आपको इसको अप्लाई करना है. इसके बाद आप इसको ब्रश की हेल्प से हल्का सा थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं. यहाँ पे मैं नॉर्मल ब्रश ले रही हूँ. आप फैन ब्रश भी ले सकते हैं. अगर आपके पास फैन ब्रश नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. आप क्या करें, अपने जो नॉर्मल ब्रश है इसको आप पिंस लगा लें बिल्कुल ऐसे और ये बन गया फैन ब्रश. और इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं. और वंस इट्स डन आप इसकी पिंस रिमूव करके इसको एज अ नॉर्मल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. सो हियर आई एम यूजिंग दिस फैन ब्रश एंड वी आर डन. सो आई एम टेकिंग दिस लिप लाइनर अप्लाइंग इट ऑन माई लिप्स एंड जस्ट लाइनिंग लिप्स बिकॉज लिप लाइनर इज़ वेरी नेसेसरी. नो मैटर आप लाइट लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो डार्क, बट ऑलवेज लाइन योर लिप्स. And here we go. So इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये स्किन टोनर बिकॉज इफ़ यू आर यू डू नॉट हैव एनी मेकअप फिक्सर यू कैन यूज़ दिस एंड लेट इट ड्राई. सो वंस इट्स डन एंड हियर द बिगनर्स लुक इज रेडी. सो अगर आपको ये लुक पसंद आया हो सो गिव अ बिग थम्स अप टू माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लुक एंड न्यू ट्यूटोरियल. Thank you. Keep watching. Bye-bye. Take care.